भी मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, ना ना जिसमें हो गई दीवाने से हो गई, नजारा वो हर सू है मितवा। हो ये मौसम का जादू है मितवा। अनुपम सर, बमन सर, वैसे तो आपने कई फिल्मों की शूट्स की है, उन पे काम किया है, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे शहरों से आए हैं, अभी एक आध महीना ही हुआ है इन्हें इंडियन आइडल पे, क्या ये किसी प्लेबैक सिंगर से कम है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिंदुस्तान जो है वो छोटे शहरों से ही आता है, छोटे शहरों में ही बसता है। मैं खुद एक छोटे शहर से आया हूँ, शिमला में, अब तो खैर बड़ा हो गया है, लेकिन छोटे शहरों में सपने देखने का बहुत वक्त होता है और उन सपनों को पूरा करने की बहुत शिद्दत होती है। बस ये जज्बा बड़े शहर में आकर बरकरार रखना, ये बहुत जरूरी है। वो छोटे शहर की लड़की, मेरा घर का नाम बिट्टू है, तो मैं उस छोटे शहर के बिट्टू को हमेशा जिंदा रखता हूँ। अनुपम खेर और बिट्टू में हमेशा झड़प चलती रहती है। बिट्टू कहता है औकात में रह, और अनुपम खेर को जमीन पे रखने में बिट्टू का बहुत बड़ा हाथ है। सॉरी, एक सेकेंड, मैं बड़े शहर से हूं, कोई गलती हो गई मुझे। जैसे राजश्री में जो इनोसेंस है एक्टर्स के चेहरों पे, इनोसेंस है फिल्मिंग में, इनोसेंस है टेकिंग में, इनोसेंस है, आपने वही इनोसेंस बरकरार रखा आपने। मैं इस सीजन को थोड़ा फॉलो कर रही हूँ एंड संजूति, मुझे लगता है कि आप काफ़ी विनिंग के नज़दीक आ गई हैं। थैंक यू। और क्यों ना इस बार एक लड़की विनर हो जाए। हाँ, तो कितने साल हो गए यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। बेटा, आपने गाया तो आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ मैं, इतना अच्छा गाया आपने। नदिया के पार जब रिलीज़ हुई थी 1982 में, तो हमारी राष्ट्र की सबसे बड़ी हिट थी। तो मैंने प्यार किया कंप्लीट की, हम लोग डबिंग कर रहे थे चेन्नई में, तो मेरे फादर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट क्या बनाना। मैंने कहा ज़रा सोचेंगे अच्छी तरह, तो उन्होंने एक पेपर रखा और मुझे कहा कि नेक्स्ट बनाओ नदिया के पार। तो उन्होंने ये कहा कि नदिया के पार अवधी भाषा में थी, जो आपने इतना अच्छे से गाया वो भाषा, तो वो सिर्फ 1/4 इंडिया ने देखी। तो उन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड को ये कहानी जानी चाहिए। तो आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ उसी बदौलत हूँ। और ये आपने जो गाए, दोनों गाने अगर देखा जाए तो वही सिचुएशन है, वही सिचुएशन है, लड़का लड़की एक सफ़र में है, बस मैंने सिर्फ उसका रुख बदला है, कपड़े बदले। लेकिन आज भी कितने लोग मुझे ऐसे मिलते हैं बेटा, जो कहते हैं कि उसको छू नहीं पाए आप, वो इनोसेंस जो वर्ड कही है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार से कहा। और बेटा, मुझे पता चला कि आप एक बहुत अच्छी बेटी हैं। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ यहाँ तो और कलाकार बहुत बड़े हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है कला के प्रति करेक्ट सुर लगने के लिए। क्या बात। सो बहुत अच्छा गाओगे, बहुत फ्यूचर, बहुत बड़ा
आगे जाओगी बेटा. तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, जो माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, परफेक्ट बेटी श्रवण कुमारी विदिता चक्रवर्ती. आइकॉनिक गाने हैं. अगर इनका वीडियो नहीं भी चल रहा तो हमारे दिमाग में पूरा गाना दिखता है, सामने नजर आता है.
क्या फिल्में हैं, क्या गाने हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन फिल्मों के लिए, इन गानों के लिए, एंड ऑफ कोर्स फोराक्षी प्रोडक्शंस। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि एकदम जादू नगरी में आ गई हूँ। सूरज जी बाजू में बैठे हैं, उनके गाने वहाँ दिख रहे हैं, ये सुंदर लड़की सुंदर गाना गा रही है, ये इतने महानुभाव जजेस बैठे हैं, और जैसे ही विदिप्ता को मैंने देखा यहाँ से उतर के वहाँ जाते हुए, ओहो हो, मेरे को तो नॉस्टैल्जिया हो गया, क्योंकि इसने परांदी पहनी है। परांदी जानते हैं ना, जब मैं आपकी उम्र की थी, लंबे घने बाल थे, परांदी पहनते थे हम, चूड़ियाँ, परांदियाँ, ये हमारा श्रृंगार होता था। आप तो माधुरी दीक्षित की तरह आपने कपड़े पहने हैं आज, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, और बहुत सुंदर गाना गाया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मुझे याद आ गई अपने बचपन की। मैं तो पूरा 30 साल 35 साल वापस चला गया, ड्रेस भी वही पहनी है आपने। आई थैंक यू फॉर सो मेनी, सो मच ऑफ डिटेल, थैंक यू इंडियन आइडल। थैंक यू सर। ऑलमोस्ट यही शेड था माधुरी का, क्योंकि येलो इज माय फेवरेट कलर, नीना जी ने भी पहना आज। जो आपने गाया कबूतर जा जा, पहले ये गाना मैंने प्यार किया में ही वॉज नॉट देयर, तो मुझे याद है राम लक्ष्मण जी बैठे हैं, असद भोपाली जी लिरिक राइटर थे सब, तो मैंने उनसे कहा कि सिचुएशन है दुख का, तो वो मुझे प्यार, मुझे मैंने कहा मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए, तो बड़े नाराज़, असद जी बहुत नाराज़ वाले थे, ऐसे है क्यों, क्या चाहिए तुझे फिर, तो मैंने बोला सर प्यार वर्ड अवॉइड करके, तो फिर मुझे याद है उन्होंने कहा अच्छा इस रूम में और है क्या, मैंने कहा वो हीरोइन की एक टोपी है, कैप, फ्रेंड कैप, और एक दूर में कबूतर है, बोला कबूतर का गाना दूँ तो मैंने बोला सर एक मिनट, बोला लिखो, और लिखते नहीं थे हिमेश जी, डायरेक्टर हैज़ टू राइट, कलम नहीं उठाते थे असद भोपाली जी, बोले कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, तो मैंने बोला एक मिनट अभी आप कंपोज आगे मत करो, इम्मी चिट्ठी लक्ष्मण जी का ये बना धुन, ताना दाना धन धन, अभी हो गया। फिर मैं भाग के गया मेरे फादर के पास अनुपम सर, कि वो कबूतर का गाना बन, हम उड़ाएंगे कैसे कबूतर, तो फादर ने बोला कि जाके मना करो उन्हें, होगा नहीं। मैं पहुँचा 10 मिनट में गाना बना सर, एंड 3 अंतरे लंच ब्रेक हो गया। तो ऐसे गाने बनाए कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। बट भी तो एक और चीज बेटा, आई वांट टू टेल यू, आपने जैसे गाया, आपका जो मतलब इंडियननेस है, तो मुझे सुमन याद आई, मुझे प्रीति याद आई, मुझे पूनम याद आई, सबने येलो पहना है, सबने ये, तो मतलब ऑफ कोर्स सिंगर तो आप हैं ही, बट कभी मन हो, हल्का सा भी मन हो, टू बिकम अ एक्ट्रेस, राष्ट्रीय हीरोइन बहुत अच्छी तरह से करोगे आप। तो मैंने आई थिंक आई मे बी राइट आदि, बट दिल दीवाना भी गाया था ना इन्होंने, मैंने वो देखा। जी सर, बिल्कुल, मैंने एपिसोड में देखा था आपका। तो मैं चाहूँगा कि सर तो खुद सिखाते हैं एक्टिंग, अगर सर थोड़ा सा कुछ एक हल्का सा स्क्रीन टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, ये क्या हो रहा है, आप ही के टाइटल से मैं इनकी एक परफॉर्मेंस करवाना चाहूंगा छोटा सा। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, आपने उसका गाना गाया। Yes, 9 रस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट किस्म के 9 भाव होते हैं, तो आप 4 भावों में हम आपके हैं कौन कह के दिखाइए। तो पहला प्यार से, वो किसी को भी बोल सकते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलिए। Okay. हम आपके हैं कौन। अच्छा, नहीं नहीं, कोई गलत कुछ नहीं है, मैं इसको थोड़ा ठीक करूं। प्लीज सर, अब मन में कुछ सोचिए कि मैं इसलिए बोल रही हूं। रेडी, एक्शन। हम आपके हैं कौन। ओके, बिना सिर हिलाए करो अभी, बिकॉज सर जो है वो मदद करता है एक्टिंग में। हम आपके हैं कौन, तो लगता है सर ने बोला है, मन से बोलो। हम आपके हैं कौन। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा क्रोध, हाँ अब इनको बोलिए।
थैंक यू सर, सही इंसान चुना है सर। आप इनके चेहरे पर एक ऐसा चेहरा रखिए जिसको आप अच्छे, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बोलिए। समझिए मैं चिराग हूँ। हम आपके है कौन, है कौन? हम आपके है कौन, है कौन? हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है उनके लिए नीना जी ने एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया है। क्यों नीना जी? एक है छुटंकी सी लड़की, पगलेट सी, यंग सी, उसके साथ कुछ सरप्राइज किया है। सो प्लीज वेलकम सिंगिंग की मास्टरनी, पर असल में स्टैंडर्ड 9 की छात्रा अनुष्का पात्रा। ओह, कोई नया भेस। Thank you.
आपने तो इसको मतलब पूरा ही बिल्कुल चेंज कर दिया. मेकओवर होता है ना आजकल. सच में टैलेंट हो तो ऐसा. यहाँ पर एक से एक बढ़ के लोग हैं. हालांकि मैं जब देख रही थी तो ऐसा हो रहा था काश उस वक्त मैं भी जवान होती तो तब मुझे रोल मिलता. लेकिन चलो बुढ़ापे में मिला तो सही. यू नो कितना नॉस्टैल्जिया है. आपने सूरज और आश्री फिल्मों ने क्या लोगों को जीने का तरीका सिखाया है. फेस्टिवल कैसे मनाने हैं. आपने हिंदुस्तान को सिखाया अपनी फिल्म से, इस खासकर इस फिल्म से, कि शादी कैसे करनी चाहिए और कैसे मतलब ये गाने जो हैं ये हमारी, मैं इसमें नहीं भी काम कर रहा तो हमारी साइकी का हिस्सा है. एंड दैट क्रेडिट गोज टू यू. देखिए 75 साल में 1947 15 अगस्त को देश का जन्म हुआ था और उसी दिन इनके दादाजी ताराचंद बड़जात्या जी ने एस्टैब्लिश की थी राजश्री प्रोडक्शन. 75 सालों में केवल 60 फिल्में बनाई हैं मगर हिंदुस्तानी रीति रिवाज को इन्होंने एक भी फिल्म में नहीं छोड़ा है. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी भी और आपकी भी. आपने बेटा बहुत अच्छा गाया. थैंक यू सर. क्या है कि पीछे विजुअल चल रहे हैं एक्चुअल गाने के, गा आप रही हैं तो समझ नहीं आ रहा आप गा रही हैं जो जिसमें पिक्चर में गाया वो गा रही हैं. तो दैट आई थिंक इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन इटसेल्फ. सूरज सर मेरा एक सवाल था सर आपसे. गुलेल जैसा हथियार ये आपने एक रोमांटिक सिनेरियो में डालने का कैसे सोचा सर? आई डिड नॉट नो कि गुलेल को ऐसा आज भी 35 साल के बाद याद रखेंगे गुलेल का एक्शन. जी सर. और मेरे पास एक सीन था जिसके अंदर माधुरी को पूछना है कि मतलब ये गुस्ताखी आपने हमसे क्यों की? हम आपके हैं कौन? क्यों हम आपके हैं कौन? तो अभी गुस्ताखी वर्ड मैंने लिख दिया पर गुस्ताखी करें क्या? तो अब उसमें मैं फंस गया. गुस्ताखी करें क्या? कई हफ्ते बीत गए तो एक पंजाबी गाना मैं देख रहा था उसमें ऐसे गुलेल, वो अब वो गुलेल जो ऐसा गया तो फिर मैंने ये यूज़ किया. बट अभी मुझे भी याद है हिमेश जी जो माधुरी के ऊपर गुलेल मारा ना वो एक हमारे कोरियोग्राफर के असिस्टेंट थे. सलमान ने नहीं मारा क्योंकि हम तो कट करके रहते हैं शॉट. तो वो 4 दिन तक उसे हाथ नहीं धोए. सूरज जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आपका और सलमान भाई का बहुत ही आइकॉनिक कॉम्बिनेशन रहा है एंड उनकी वो जो सुपर सक्सेस है मैंने प्यार किया उसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो जब फर्स्ट टाइम आपने प्रेम और सुमन को चुना तो उनको जब आप मिले तो वो आपको लग गया था कि यही प्रेम और सुमन है मेरे? एक्चुअली मैंने प्यार किया जब कास्टिंग हो रही थी तो सब नए थे, न्यू कमर चाहिए था. कई लड़के लड़कियां ढूंढ रहे थे तो मुझे अभी भी याद है कि एक लड़की थी जिनको हम लोगों ने ऑडिशन के बुलाया था. तो हम पूछ रहे थे कि कोई लड़का हो तो बताओ. तो उन्होंने कहा कि सलीम साहब का एक लड़का है, मतलब सलमान करके कोई ऐड मैंने किया उनको बुला. मैंने कहा कि अभी सलीम साहब के लड़के कहाँ करेंगे हमारे साथ काम. फिर भी मैसेज दिया. तो मुझे याद है कि मेरे कमरे के बाहर रिसेप्शन है तो मैंने झाँक कर देखा तो छोटा सा एक 5 feet 9 inches के कोई बैठा है. मैंने कहा ये तो हीरो तो है नहीं. और वो भी आए रिजेक्ट करने को सलमान भाई क्योंकि उनको लगा कि बांसुरी और धोती पकड़ा देंगे. तो वो भी रिजेक्शन के मूड में थे. फिर मैं कहानी सुना रहा हूँ वो बैठे कबूतर जा जैसे आया तो उड़ गए. वो बोली ये तो मुझे करनी है. फिर उन्होंने ऐसे फोटोग्राफ रखे अपने. व्हेन आई सॉ हिज फोटोग्राफ्स दैट वॉज मैजिक. मतलब जैसे पर्सनैलिटी तो बहुत पतले दुबले बट दैट फोटोग्राफ इज मैजिक जिसका आज भी वॉट ही शूट्स एंड वॉट ही कम्प्लीटली. फिर मैंने उन्हें एक गाना दिया आर डी बर्मन जी का हजरीला इंसान का टू जस्ट माइम ओ हंसिनी. और वो जो नॉड है एक जो एक सर हल्का सा झुकता है गाते गाते बस उस पर भी गॉट हीरो. बिल्कुल सर बिल्कुल आइकॉनिक. सूरज सर आपने हमारे देश को एक ऐसी गेम सिखाई है कि कोई भी शादी कोई भी फंक्शन कोई भी गेट टुगेदर इसके बिना अधूरा है. द परफेक्ट गेम और वो है अंताक्षरी. मैंने प्यार किया कि अंताक्षरी. तो चलिए उस अंताक्षरी को रिक्रिएट करते हैं. अजी तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम. आहा, 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 क्या बात है?
समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। वाह, हरि, हरि आप। तो लेडीज फर्स्ट, तो आप लोग आ से गाइए। जैसे एहसान कर रहे हैं क्या जा 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 मुझे ना अब याद आ, जा मुझे ना अब याद आ, ओ मुझे भूल जाने दे जा 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 मुझे ना अब याद आ तू। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, फिसल गए हा हा हा, हाल कैसा है जनाब का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, कि दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी, दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी। अरे रामचंद्र कह कैसिया से, रामचंद्र कह कैसिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुनेगा दाना सुन का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह कैसिया से, समा है सुहाना सुहाना जहाँ, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, दिल में देखो मोहब्बत जवां है। गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
इतना तो मान कर। रुक जा रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। रुक जा जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आती हूँ, चोरी चोरी मेरे दिल में समाती हो, ये तो बताओ कि तू मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तू मेरे कौन हो। अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। अरे हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू चाहे ना, चाहे तू माने चाहे ना माने। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पब्लिक है पब्लिक बाबू, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है अजी अंदर क्या है अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें सोनाक्षी और शिवम आ जाओ, तालियां बजाइए। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल तू चल मैं आई, आजा शाम होने आई, बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई, नो नो तू चल मैं आई। no, no.
अंताक्षरी की अब तो जान पे बन आई है प्यार की गहराई अब तो जान पे बन आई है प्यार की गहराई तो किस बात की है तुम लड़की हो मैं लड़का कहता हूँ आया मौसम दोस्ती का आया मौसम दोस्ती का बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने बहुत मुझे आपने जब गाया तू चल में आई तो मुझे याद है ये गाना पहले फिल्म में था नहीं 10 गाने ऑलरेडी हो गए थे नया तो एक बार लक्ष्मण जी का मेरे पास फ़ोन आया कि एक सिटिंग और करना चाहता हूँ 10 के बाद तो आए और बोले कि हमारे फिल्म में ना एक डुएट नहीं है मैंने कैसा डुएट तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया सुनो कहो कहा सुना कुछ हुआ क्या बोले ऐसा चाहिए गाना मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए और बोले सुनो तो सही तो बोले मैं एक ट्रक में जा रहा था दिल्ली में तो ट्रक के पीछे लिखा था तू चल में आई तो तू चल में आई उन्होंने पढ़ा और वहाँ से वो धुन बनाई अनुपम सर आप बोलते हैं जैसे राष्ट्रीय का संस्कार ये हम लोग को धरोहर में मिली है सर मेरा इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि मैं जी पहले जो देव कोहली जी ने लिखा था आजा रात होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई तो किस बात की लड़ाई तू चल में आई तो मेरे फादर ने बोला सूरज आजा शाम होने आई मेक इट शाम नॉट रात आई अग्रीड दैट वाज माय ओनली कंट्रीब्यूशन टू इट बमन सर अनुपम सर आपके साथ फिल्म में द लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन जी भी हैं इंडियन आइडल परिवार में भी एक बहुत ही बुजुर्ग सदस्य हैं आप ही के हम उम्र भी नहीं कह सकते एक्चुअली आपसे कुछ 4-5 साल बड़े ही हैं वो तो उन्होंने कहा है कि वो आपकी फिल्म का जो बहुत ही पॉपुलर गाना है सर केटी को उस गाने को वो स्टेज पे रिक्रिएट करना चाहते हैं और वो हमारे बुजुर्ग सदस्य रहे पापा शिवम मखमल गालों वाली मस्त ख्यालों वाली चंचल चालों वाली ओ केटिको बर्फ बदन है केटिको सुर्ख लगन है मुश्किल जीना खाना रे मुश्किल यार आशिकी मुश्किल सोना गाना रे मुश्किल यार आशिकी पटियारी जैसी नर्त किनारी जैसी पटखनियारी जैसी छुपा छुपी खेलने लगी मखमल गालों वाली मस्त ख्यालों वाली चंचल चालों वाली छुपा छुपी खेलने लगी गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा सारा चंद्रमा जो आधा जवारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे
लोगों ने कहा कि बेचारा चिराग रिजेक्शन. नहीं तो मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि हमारी टीम जो ऊंचाई है, हम लोग भी जब क्लाइम करते तो हमारे लिए जो एवरेस्ट थे, जो पहाड़ थे ना, वो एक लड़की की तरह थे जो हमें बुलाती थी कि आओ. तो कभी रिजेक्शन से डरना नहीं बेटा, एवरेस्ट मिलेगा. सॉरी मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई एम सो सॉरी. जी सर. मेरी मोहब्बत तो रिजेक्ट नहीं हुई, उसका मतलब नहीं कि मैं खुश हूं. और बमन सर, हमने सुना है कि आप बहुत प्यारा गाना भी गाते हैं और बहुत अच्छा. कहीं ना कहीं इसमें भी एक योगदान है कि पहली गो में आपको हमेशा हाँ मिलती है. तो सर कुछ लाइंस हो जाए. बगाप बगाप, यू आर द बेस्ट. तो चिराग, ये गाना मेरी फिल्म थ्री इडियट्स का गाना है. ओके. मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो. ना 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 इस परफॉर्मेंस के बाद तो अब कहना ही पड़ेगा सुपर फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक अनबीटेबल इनक्रेडिबल एपिक सर, आप वाइल्ड कार्ड में आना चाहेंगे? ऊंचाई की प्रमोशन है. सॉरी आई डोंट हैव द टाइम, थैंक यू. अगले सिंगर को मैं सालों से जानता हूं. बड़ी बड़ी फिल्म्स में प्लेबैक देने के बाद भी नए उभरते बच्चों के साथ फिर कंपीट करने के इनके जज्बे ने मुझे इनका फैन बना दिया है. और कुछ दिन पहले अपनी जिंदगी के सबसे बड़े स्तंभ अपने पिता को खो देने के बावजूद दिल पर पत्थर रखकर जिस तरह ये यहां आज भी आए हैं, सैल्यूट यू ब्रदर. ऐसे ही तो लोग अपना साम्राज्य वापस जीत कर फिर बनते हैं किंग. विनीत सिंह. चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा. चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा. चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे सुनता है तू मन की सदा. देख मुझे सब है पता सुनता है तू
भी तू दरस भी तू नैनू भी तू मितवा तेरे आवाज मैं ना दूंगा आवाज मैं ना दूंगा आवाज मैं ना दूंगा आवाज मैं ना ऊंचाई आपकी 60वीं फिल्म है wow. राजश्री प्रोडक्शंस की 60th फिल्म wow.
Okay, I just want to tell everyone here, Uchai ki puri team ki saraf se Indian Idol ko, thank you so much for this lovely 75 years. Main to aadha dhyan mujhe wahi tha. जैसे जैसे गाने आ रहे थे मुझे लक्ष्मी जी दिख रहे हैं रविंद्र जैन जी दिख रहे हैं मेरे फादर दिख रहे हैं ग्रैंडफादर दिख रहे हैं असद भोपाली जी दिख रहे हैं राम लक्ष्मण जी दिख रहे हैं कितने लोग चले गए कितने लोग हैं और मैं एक और छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरी बुआ जी हैं जयपुर में रहती हैं उनका नाम राजश्री है और उनके नाम से ही ये राजश्री प्रोडक्शंस का शुरू हुआ She's a great watcher of Indian Idol. और आज सबसे पहले उन्होंने कहा कि I'm so happy कि आप जा रहे हो। अरे क्या बात है? तो it's just come to one whole circle. क्या बात? So I'm very honored and very happy कि आज मुझे बुलाया गया, हम सबको बुलाया गया। Thank you so much. Thank you so much for coming. Such wonderful guests. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.